केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर के प्रतापगढ़ में पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अब 15 रुपए लीटर हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मैं अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियां लॉन्च कर रहा हूं। अब सभी गाड़ियां किसानों के तैयार किए एथेनॉल पर चलेंगी। गडकरी ने कहा कि 60% एथेनॉल और 40% बिजली दोनों का एवरेज पकड़ा जाएगा तो अब 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की लड़ाई रोमांचक हो गई है। बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नेता अजीत पवार ने अपने अपने समर्थक विधायकों सांसदों की बैठक बुलाई है। शरद गुट की बैठक दोपहर 3 बजे दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में होगी, जबकि अजीत गुट की बैठक कुछ देर में बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में होगी। दुनिया में 3 जुलाई का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। अमेरिका के नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के मुताबिक 3 जुलाई को एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो अगस्त 2016 में दर्ज किए गए अब तक के सबसे गर्म दिन के तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एक यात्री को दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 19 जिंदा कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया। आरोपी व्यक्ति की पहचान अजय कुमार बाना के रूप में हुई है। आज यानी बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 14 अंकों की गिरावट के साथ 65,493 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी में 16 अंकों की तेजी रही, यह 19,405 के स्तर पर ओपन हुआ।